असॉल्ट राइफल से हमला किया गया। सिद्धू मूसेवाला का पहले पीछा किया गया और उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चला दी गईं। अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में AN-94 असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल हुआ है। दावा किया जा रहा है कि पंजाब के गैंग वॉर में AN-94 का इस्तेमाल पहली बार देखने को मिला है। जानकारी के मुताबिक इस हत्याकांड में 8 से 10 हमलावर शामिल थे, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला पर ताबड़तोड़ करीब 30 से ज्यादा राउंड फायर किए थे। घटनास्थल से AN-94 राइफल की 3 गोलियां भी मिली। आपको ये जानकारी भी दे दें कि AN-94 एक रूसी राइफल है जो 1994 की एवोमैक निकोनोवा मॉडल की राइफल है। अगर इस दावे को सही मान लिया जाए कि इस हत्याकांड में AN-94 राइफल का ही इस्तेमाल किया गया है, तो आने वाले समय में पंजाब में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। पंजाब में समय समय पर खालिस्तानी आतंकी संगठनों से जुड़े लोग गिरफ्तार होते रहे हैं। अब अगर गैंग वॉर में शामिल इन बदमाशों के पास इस तरह की खतरनाक असॉल्ट राइफल आ सकती है, तो ये राइफल इन खालिस्तानी आतंकियों के हाथ भी लग सकती है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि सिद्धू मूसेवालों को गैंगस्टर्स की पहले से ही धमकी मिल रही थी। हालांकि पुलिस ने अभी तक इस मामले पर कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा है, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम आने की चर्चा है। मूसेवाला के पास पहले 8 से 10 गनमैन थे, जिन्हें घटाकर पहले 4 किया गया और शनिवार को पंजाब सरकार ने उनके पास सिर्फ 2 गनमैन ही छोड़े थे। हत्या के वक्त ये दोनों गनमैन भी उनके साथ नहीं थे। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद मौके पर पहुंची पुलिस को उसकी कार से एक पिस्टल भी बरामद हुई थी। पुलिस को शक है कि इस पिस्टल का इस्तेमाल भी हत्याकांड में किया गया था और जल्दबाजी में ये हमलावरों से वहीं गिर गई। इस पिस्टल को फॉरेंसिक जांच और फिंगरप्रिंट एनालिसिस